ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारा लेकिन वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, उनके युवराज लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती, जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब है। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, पंचकुला में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण, पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण, उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत बोले 200 से ज्यादा सीटों पर आम सहमति बन गई है, एक दो दिन में सीटों का बंटवारा पूरा हो जाएगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर सर्किट हाउस में लोगों से की मुलाकात, सीएम भजनलाल ने लोगों की शिकायतें भी सुनी। जेपीएनआईसी जाने से रोकने के मामले पर बोले अखिलेश यादव, कल सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, यह सरकार विनाशकारी सरकार है। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बोल, कहा एक मस्जिद खोई, अब मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे, हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ फलस्तीन के बहाने मोदी पर बरसे ओवैसी, कहा फलस्तीन में 40,000 मौत हुई, पीएम मोदी खामोश, इसराइल को हथियार भेजे जा रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं।